पहले इंडिया से हारे 4-0 से, अब कवैत से हार गए हैं। इससे अगर हार नहीं है तो हम अपना वेस्ट टाइम क्यों कर रहे हैं, अपने कारोबार छोड़ के टीवी के आगे बैठे होते हैं कि अभी जीतेगा अभी जीतेगा। पूरा एक्शन रिप्ले हुआ है, 4-0 से इंडिया ने हमें हराया, 4-0 से कवैत ने हमें हराया। पहले कम से कम एक गोल तो करो यार, मतलब इंडिया से भी हार गए कवैत से भी हार गए, कोई फायदा नहीं है, मतलब खत्म कर दो यार, कोई फायदा ही नहीं है इस तरह की गेम करने। इनको चाहिए चूड़ियां पहन के ना ये घर बैठ जाएं, ठीक है ना। प्लेयर जब एयरपोर्ट पे वापस आते हैं ना तो बेचारे रिक्शो में अपने घर जा रहे हैं, वो तो बात है, उनको प्रोटोकॉल पूछने वाला नहीं होता, उनसे कोई सेल्फी लेने वाला नहीं होता। वहां पर सुनील छेत्री की बात करें, वो भी एक स्टार बन चुका है। अब क्या होगा, सर पाकिस्तान पहले फुटबॉल का मैच इंडिया से 4-0 हारा है और आज कवैत से 4-0 हार गया, क्या जज्बात है आपके? यार देखिए, पाकिस्तान वैसे एक फुटबॉल नेशन टीम नहीं है, उसके बाद पाकिस्तान की जितनी गंदी गेम है ना, तो उम्मीद क्या उम्मीद थी नहीं जीतने की, और ये तो पक्का पता था ना कि इंडिया से हारेगा, क्योंकि इंडिया की जो रैंकिंग जोन सी है उनकी, वहाँ पे फुटबॉल की जो लीग्स होती हैं वहाँ पे निकोलस अनिल्का खेल के गया, लुइस फिगो खेल कर गया, मतलब उनकी लीग जोन सी है ना, वो बहुत प्रमोट करते हैं अपनी। फ्यूचर क्या नजर आ रहा है पाकिस्तान की फुटबॉल फेडरेशन का? फ्यूचर कुछ भी नहीं है पाकिस्तान में फुटबॉल का। यार हमने कहते हैं ना, हमने पर्चियाँ बुलाई थी, हमारे इंग्लैंड से प्लेयर आए स्पेशली ये सेफ गेम खेलने के लिए, फिर भी हार गए हैं। यार ये जो पर्चियाँ खिला देते हैं साथ में, उनकी कोई गेम होती नहीं है, मतलब उनको पता नहीं है कि टैक्टिक्स क्या हैं, पोजीशंस क्या हैं, कैसे कवर अप करना है, फुट बैकफॉल क्या करना है, विंग पे कौन है, किसी को कुछ नहीं पता, बस उनको ये पता है कि फुटबॉल आया टुड्डा मार के बॉल आगे फेंकना है। देर इज ऑलवेज अ टैक्टिकल टीम। अगर आप देखें इंडिया को, देखें इंडिया के पास इंटरनेशनल कोचेज हैं, अच्छी फैसिलिटीज़ हैं उनके पास, उसके बाद कुवैत अरब ममालिक में फुटबॉल ऑलरेडी बड़ा फेमस है, वैसे वहाँ पे खेला जाता है, तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान में फुटबॉल का फ्यूचर है। ये बड़ी अच्छी बात कही यार, मेरा एक ही शिकवा है, हारे हो आप, मैंने उस टाइम भी यही कहा था 4-0 से आप हारे, अगर आप 4-1 से भी हारते तो मैं इतना दुखी ना होता, आज अगेन 4-0 से हार गए, कम से कम एक गोल तो करो, कम से कम एक गोल तो करो यार, मतलब जब आप गोल करते हो ना आपके अंदर एक पॉजिटिवनेस आती है, आपके अंदर पॉजिटिव वाइब्स आती है, आपके अंदर एक चीज आती है कि हम गोल कर सकते हैं। अभी साउथ एशियन चैंपियनशिप जो चल रही है इसके अंदर भी इंडिया ने 4 गोल कर दिए, आपके जिसको कहते हैं कवैत ने 4 गोल कर दिए, हमने क्या किया, 0 दोनों मैचों में 0-0, एक गोल नहीं किया। पूरा एक्शन रिप्ले हुआ है, 4-0 से इंडिया ने हमें हराया, 4-0 से कवैत ने हमें हराया। सही पकड़े हैं यार, इनको चाहिए चूड़ियां पहन के ना ये घर बैठ जाएं, ठीक है ना, ये गेम शेम करना इनके बस का बात, इनके बस की गेम नहीं है ये, ठीक है ना, फुटबॉल खेलना, इनको चाहिए चूड़ियां पहने, ठीक है ना, और घरों में बैठे और हांडी रोटी करें, ठीक है ना। आपके इंडिया से भी हार गए कवैत से भी हार गए, कोई फायदा नहीं है, मतलब खत्म कर दो यार, कोई फायदा ही नहीं है इस तरह की गेम करने का ना, जिससे इंटरनेशनली हमारी इमेज ही खराब होनी है, ठीक है ना, मतलब कि यार थोड़ा सा बंदा कुछ शर्म होती है, थोड़ी सी यार इतना थोड़ा सा खेल लेता, एक दो गोल कर लेता, ठीक है ना, 4-0 से इंडिया से भी इधर से भी, मतलब कि हार के घर वापस आ जाएंगे तो इधर आकर रोटियां छोटियां पकाओ, ठीक है ना, तो हांडी हुंडी पकाओ, चूड़ियां पहन के घर के काम करो। गजब बेइज्जती है, हमें हार लग रही है, वजह ये है कि उन्होंने थोड़ा सा कल्चर बनाया, वो एथलीट्स को रिस्पेक्ट भी देते हैं। यहाँ पे अगर आप देखो तो जो हमारी फेडरेशन है वो बिल्कुल स्पोर्ट्स के जो आपके एथलीट्स हैं उनकी केयर नहीं की जाती, पैसे तक नहीं मिलते, और हॉकी के प्लेयर जब एयरपोर्ट पे वापस आते हैं ना तो बेचारे रिक्शों में अपने घर जा रहे हैं, वही तो बात है, उनको प्रोटोकॉल पूछने वाला नहीं होता, उनसे कोई सेल्फी लेने वाला नहीं होता। वहां पर सुनील छेत्री की बात करें, वो भी एक स्टार बन चुका है, ठीक है, उसको भी लोग इतना हाईली प्रेज कर रहे हैं, विराट कोहली तक उसको जो है प्रेज करते हैं, यहाँ पर फुटबॉलर को कोई भी नहीं जानता, मैं किसी से पूछूंगा फुटबॉलर का नाम बताओ, कोई नहीं बता पाएगा। खत्म।